क्या हाल चाल है, न चरण स्पर्श न मत्था झुकाया। चलो इतना बोलना पसंद कर लिया हमारे जैसे गरीब से, इसका भी एहसान मानेंगे। लेकिन उसकी बोली बदल गई, कहो ठाकुर क्या हाल चाल है। ये वो नहीं बोल रहा था बेटा, उसकी बोली में किरकिराहट आ गई। क्यों? बोले पैसा उसका बोल रहा था, दीनता उसकी खत्म हो गई। सुदामा जी इसी डर के मारे द्वारका नहीं जा रहे थे, पत्नी कह रही थी कि जाओ एक बार वदन निहार जाओ, जो पे कछु पाओ जाओ मुख सुखदाई है। सुदामा जी कहते हैं कि दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुधिले सदाई। द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद ते जान परी नमिलंब लगाई, याही के भावत मोमन दीनता जो निभे नहीं जस आई। जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं तो कई काज सुरेशों की ठुकराई। ध्रुव के ऊपर गरीबी में कृपा हुई थी कि राजधानी में कृपा हुई थी, तब घर से निकाल दिए गए थे। यही की जन्मभूमि बिठूर की सौतेली माँ ने पिता की गोदी तक में नहीं बैठने दिया, घर से निकाल दिए गए। जंगल में जाकर के भजन करेंगे, रास्ते में गुरु बाबा की कृपा हुई। कहते हैं कि अगर रास्ते में नहीं मिले होते तो नारद जी आकर के राजमहल में ध्रुव को दीक्षा नहीं देते मेरे ख्याल में। और भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, और 5.5 वर्ष की उम्र में जो भगवत प्राप्ति हुई वो नहीं होती। मनु जी को कितनी उम्र में भगवत प्राप्ति हुई? 4वें पन में हड्डी सुखाने पर 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद, और ध्रुव जी को 5वें वर्ष में भजन की लगन लग गई। घर से निकाल दिए गए, गरीबी ने दबोच लिया, भजन की लगन लगी और 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान सामने खड़े हो गए। बेटा बोल क्या चाहता है। ध्रुव ने उस सौतेली माँ के बचनों के ठोकर को धन्यवाद दिया और इस ठोकर जन ने गरीबी को धन्यवाद दिया। धन्य हो प्रभु जो मेरे जैसे राजकुमार को घर से निकलवा करके बाहर करा दिया, और आज गरीबी भी मुझे गरीबी देकर गरीब निवास की हैसियत से आए हो मुझे अपनाने के लिए। इस सुख को चक्रवर्ती राजा क्या समझ सकता है। तुम्हारा हमें गरीबी पसंद है, हमें पारस पसंद नहीं है। नट गए रैदास कहीं राखो अपने पास, होए साधन विनाश सुख संपत्ति को लेके। सुख और संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भजन का साधन नष्ट हो जाता है। हृदय की भावनाओं में बहुत जहर पैदा हो जाता है। हठ मत कीजिए, महात्मा बोले करे रख ले रख ले, बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। रैदास जी बोले कि हठ मत कीजिए, आशीर्वाद बस दीजिए ही, रहे गरीबी में प्रण भक्ति को निभ के। आशीर्वाद दीजिए, पारस मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद भी क्या कि गरीबी हमारी बनी रहे और गरीबी में भक्ति भाव का प्रण हमारा निभता रहे। महात्मा जी ने सोचा कि अभी इसने देखा नहीं है प्रभाव पारस का, इसलिए शायद नट रहा होगा। तो अपने हाथन संत जी रापी लो ठार, खुरपा की तरह रुखानी की तरह एक हथियार होता है जिसे वो चमड़ा काटते हैं, उसको रापी बोलते हैं लोहे की। कहा कि देख रैदास मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ये तेरी रापी लोहे की है ना। हाँ महाराज लोहे की। बोले ये देख सोने की हो गई, पीली पीली चमचमाती हुई रापी। अपने हाथन संत जू रापी लो उठाए, पारस परस कराए के
स्वर्ण बनाए। घबराए रे दास कही रापी को भयो बिना। तेरी लोहे की रापी सोना हो गई। रेदास जी ने माथा ठोका कि महाराज अब मैं जूता उसे कैसे काटूंगा, काटेगा नहीं, लोहा में भी साधारण लोहा नहीं काटता है, बढ़िया इस्पात होता है, वही बढ़िया धार वाला होता है, नहीं तो धार मुड़ मुड़ जाने वाला होता, और सोना तो उतना कठोर होगा नहीं इस्पात की तरह। मेरी रापी खत्म हो गई, बिगड़ गई, अब हमारे धंधे में भी फर्क पड़ जाएगा। ताकि गजब का बैरागी है भाई, घर में रहते हुए भी इतना बैरागी, पारस जैसे पदार्थ से। संत जी बोले कि भैया रख ले। कहा कि महाराज मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। कहा कि तो मैं इसे लेकर वापस जाऊंगा भी नहीं, तेरे लिए लाया हूं और यही रख के जाऊंगा। बोले कि झोपड़ी मेरे बाप की नहीं, झोपड़ी आपकी है, आप अपनी झोपड़ी में जैसे हम अपनी रापी रखते हैं, आप कहीं अपना पारस रख करके चले जाइए तो हमें कोई इसमें इतराज नहीं, लेकिन हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए जहां रखना हो रख दीजिए। बोले संत करहु मन भायो, बोले संत करहु मन भायो, पारस तुम्हारे हित लायो, पारस यह तुम्हारे हित लायो, नहीं अब वापस लेके जाओ, नहीं अब वापस लेके जाओ, बताओ अपने मुख कोई ठाओ, बताओ अपने मुख कोई ठाओ, जहाँ बहुमूल्य रत्न पधराओ, आज मैं वापस लेके नहीं जाऊंगा, तेरे लिए लाया हूँ, संकल्प पूर्वक लाया हूँ, तेरे यहाँ रख के जाऊंगा। बोले कि ऐसा आठ है तो रख दे, लेकिन हमको मत, हम उसे नहीं स्वीकार करते। ताकि कोई जगह बता दो, तो कोई तय खाना तो था नहीं अंडरग्राउंड, उसकी झोपड़ी थी नीम के पेड़, पेड़ के नीचे कोई आयरन सेफ, गोदरेज की अलमारी तो थी नहीं जो उसमें जगह बतावेंगे। बोले महाराज झोपड़ी है, जहां चाहो वहां रख दो। बोले कि बोले तब रे दास भरसक राखो अपने पास, प्रभु सेवक के हाथ मत ऐसो दोष कोष दो। ये दोषों का कोष है संपत्ति, पापों का खजाना है। बहुत बहुत इससे अनर्थ बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, स्तेयम् हिंसा अनृतम् दम्भ काम क्रोध स्मयो मद भेदो बैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा अनर्था यर्थ मूला मतादान तस्माद् अनर्थ मर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरत्यस्तजेत। कहलाता है अर्थ, धन को अर्थ कहा गया है, लेकिन इसमें 15 अनर्थ भरे हुए हैं। आता है अर्थ काला करके और भीतर अनेक तरह के अनर्थों को ये संचारित करता है। अनर्थ फैलाने वाला अर्थ हमको नहीं चाहिए। बोले तब रैदास भरसक राखो अपने पास, प्रभु सेवक के हाथ मत ऐसो दोष कोस दो। अर्थ तो कहावे पे अनर्थ ही बढ़ावे, प्रायः ऐसो धन दे के ना परिणाम में अब
मेरो मन भरे नाही पारस पे ढरे नाही प्रभु पद से डरे नाही केवल हरि को भरोस दो वापस लेके जाओ काम और कुछ बनाओ ना तो जहां मन माने तहां छान में घोंस दो जहां मन माने तहां छप्पर में घोंस दो। हमारे पास कोई स्पेशल जगह नहीं है जहां इस धन कहलाने वाले पारस को रख सकूं रखवा सकूं। जैसे हमने कहीं कुछ खोस रखा है कहीं कुछ खोस रखा है कहीं दातुन खोस रखी है और कहीं अपनी माला टांग रखी है ऐसे आप भी अपना पारस कहीं रखना हो तो रख दीजिए। महात्मा जी ने सचमुच में खोस दिया एक जगह देख यहां खोस रहा हूं खोस दो। पारस को तो संत जी दिए छान में खोस भक्ति ज्ञान वैराग्य लखी मन में अति संतोष। प्रसन्न हो रहे हैं संत जी के रूप में आए हुए प्रभु रैदास चर्मकार कुल में उत्पन्न होकर इतना ऊंचा वैराग्य इतना विश्वास ठाकुर जी की कृपा पर मुझे परस का भरोसा नहीं मुझे भगवान का भरोसा चाहिए। मनी मंत्र संत जी बड़े प्रसन्न हुए इनके इस वैराग्यपूर्ण भक्ति भावना पर चल दिए बोले जा रहा हूं महाराज फिर कृपा करते रहना घर आपका। चले संत चले गए उनके चले जाने के बाद रैदास जी के मन में आई होती कि एक बार जरा छुआ के देख लू और लोहा को सोना बना बना करके और ये कर लू और वो कर लू हो सकता था कर सकते थे लेकिन नहीं। चले संत पर भक्त हृदय को नहीं कहू लगी न फांस और वही पुरानी चाल से जूती का मरम्मत और धंधा करते हुए संतोष वृत्ति से रैदास उसी झोपड़ी तक गुजारा करते रहे। उद्यम करके जो कुछ पावे ऐसा रत्न है जितना चाहे लोहा को सोना बना करके और जो चाहे कर ले लेकिन पारस के पास गए नहीं पारस की ओर ताकत तक नहीं। 13 महीने व्यतीत हो गए इसके बाद 13 महीने के बाद वही प्रभु उसी संत जी के रूप में फिर लौट के आए आए पुण्य प्रभु वही संत जी के भेष में और पूछ रहे कहो भाई पारस के हाल क्यों भाई रैदास पारस का क्या हाल है कुछ उससे काम लिए कि नहीं लगता है नहीं लिए हो काम क्योंकि ऐसो दिव्य रत्न पाल जूती अभी गांठी है वही जूती मरम्मत का धंधा कर रहा है गई रहे गरीबी और पुरानी चाल ढाल। बोले महाराज हमारे गुरु जी ने यही शिक्षा दी है चाल चलो सादा जासे निवहे बाप दादा बड़े बनने की कोशिश में
परमात्मा जी कह रहे कि ये सो दिव्य रत्न पाके जूती अभी गांठी रहे, गई रहे गरीबी और पुरानी चाल ढाल को, और को हो तो लोह को बनाए स्वर्ण, जोड़ ले तो कोठा और अटारी धन माल को। धन्य हो बैरागी त्यागी तपसी संतोषी वीर, कहां डारी राखे वा अनोखे दिव्य लाल को। कहां रख रखे उसको? बोले महाराज हम काहे को रखेंगे, आप जहां रखें वहीं देखेंगे। कह रे दास संभार लो जहां धरे प्रभु आप, हमने तो देखे नहीं क्योंकि परसत होए परिताप। सांप को छू करके देखे, बिच्छू को छू करके देखे, और डंक का डर है उससे ज्यादा डर है पारस को छू करके देखे। श्री हरि नमः। सांप बिच्छू तो शरीर को प्रभावित करेंगे, लेकिन पारस का स्पर्श आत्मा को प्रभावित करेगा, दिल दिमाग को प्रभावित करेगा, हमारे साधन का विनाश करेगा। शरीर का विनाश उतना हम घातक नहीं मानते जितना कि आत्मा का और दिल दिमाग का और हमारे साधन साध्य का विनाश हमें पसंद है। ले पारस प्रसाद लही वापस लौट नाथ निराश। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था अजामिल भी, एक नंबर का वेश्यागामी, चोर लंपट शराबी कबाबी। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था धुंधकारी भी, उससे भी अधिक गया गुजरा पतित, कोई कुकर्म बाकी नहीं बचा था। तो एक तरफ तो अजामिल और धुंधकारी और रावण सरीखे ब्राह्मण हजार हजार रख दिए जान, और दूसरी तरफ में रैदास जैसा पवित्र भावना वाला भक्त जो शूद्र कुल में उत्पन्न है। आप किसको महत्व ज्यादा देंगे? भले आपकी दृष्टि में रावण का, धुंधकारी का और अजामिल का बहुत ज्यादा महत्व हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि में रैदास का ज्यादा महत्व है। बस 3 से 5 की सेवा का संकेत था। कृष्ण भगवान की जय। कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री ब्रह्मावर्त धाम में श्री पूज्य चरण गुरुवर श्री सरकार स्वामी जी के पुण्य स्मृति महोत्सव में समायोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम की सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभावशाही रहता है देवलोक में। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री रैदास जी के चरित्र के माध्यम से कालक्षेप कर रहे हैं। श्री रैदास जी धर्मराज जी के अवतार हैं। पहले एक ब्रह्मचारी रूप में श्री रामानंद स्वामी जी के भिक्षा आनयन सेवा में नियुक्त थे। स्वामी जी के अनुशासन से कुछ अलग हट करके भिक्षा आनयन में कुछ प्रमाद कर बैठे। एक भाव दूषित भिक्षा स्वीकार करके इन्हें उसके बदले में भिक्षा देने वाले के यहाँ जन्म लेने के लिए इस शरीर को त्यागना पड़ा और चर्मकार परिवार में जन्म लेना पड़ा। जन्म लेकर के आप
पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने के कारण माँ का दूध नहीं पी रहे थे। आकाशवाणी से दोनों को आज्ञा हुई, उस परिवार को आज्ञा हुई कि श्री रामानंद स्वामी जी की शरण में बालक ले जा, बालक को ले जा, तब यह दूध पिएगा और जीवन धारण करेगा। और श्री रामानंद स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि वो बालक आपकी कृपा के प्रतीक्षा में नवजात शिशु माँ का दूध तक नहीं पी रहा है, आप उस पर कृपा करें। स्वामी जी ने जाकर के बालक को उसी स्थिति में दीक्षा शिक्षा दी और माता पिता को भी दीक्षा दी। बालक बढ़ करके बड़ा उत्तम संस्कारी हुआ, रैदास नाम से प्रख्यात, कोई कोई रविदास, कोई कोई रमादास कहते हैं। रमादास अथवा रविदास का अपभ्रंश रैदास शब्द बताया जाता है। रैदास जी का जीवन बड़ा सदाचार पूर्ण था, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करना कभी नहीं चाहा इन्होंने। त्यागी इतना कि माता पिता ने इन्हें यह जान करके कि ये कमाऊ नहीं है, लुटाऊ है, घर की संपत्ति लुटा देगा संतों की सेवा में, इसलिए घर से अलग कर दिया। घर के पिछवाड़े नीम के वृक्ष के नीचे फूस की एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें ठाकुर जी का गुजारा हो जाए डाल करके रहने लग गए। संतों की सेवा बड़े प्रेम से करते, संत इनके यहाँ आते रहते। इनकी गरीबी और इनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर गरीब निवास भगवान ने एक दिन साधु भेष में आकर पारस देना चाहा। इन्होंने पारस स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। जबरन महात्मा रूप में भगवान इनकी झोपड़ी में वो पारस खोस करके गए, कहा कि चल अब नहीं तो कभी भी जब आवश्यकता समझो इससे काम लेना, लोहा को छुआ देने से ये सोना बना देने वाली मणि है। 13 महीना तक वह पारस इनकी झोपड़ी में पड़ा रहा, लेकिन उसी गरीबी में इन्होंने गुजारा किया। 13 महीने के बाद प्रभु ने आकर पूछा, बोलो भाई रैदास, पारस से काम नहीं लिया? कहा कि महाराज पारस से काम लेना, पारस को छूना तो दूर की बात है, पारस की ओर ताकने में मुझको डर लगता है। हमारा साधक जीवन नष्ट न हो जाए इस डर के मारे, क्योंकि ये संपत्ति कहलाती अर्थ है लेकिन भरी हुई है 15 अनर्थों से, इसलिए हमें पारस का स्पर्श करना स्वीकार नहीं। अंत में ठाकुर जी को वह पारस लेकर वापस लौटना पड़ा। इसके आगे अब दूसरी घटना घटाने लग गए, अघटन घटना पटु नटवर भगवान।
पुनि प्रभु या घटना के आगे, पुनि प्रभु या घटना के आगे, पांच मुहर प्रगटावन लागे, पांच मुहर प्रगटावन लागे, सवेरे ठाकुर लिए जगाए, सवेरे ठाकुर लिए जगाए, लखे सिंहासन पर घबराए, लखे सिंहासन पर घबराए, स्वर्ण की पांच मुहर चमकाए, स्वर्ण की पांच मुहर चमकाए। हम लोगों के जीवन में यह हमें लुप्त मुग्ध कर देने वाली घटना मानी जाती, हम लोग ललचा जाते और उन मुहरों से अभिभूत हो जाते, लेकिन श्री रैदास जी घबरा गए। सुन रखा होगा, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए नर यह पाए बोरा। कनक सोना को भी कहते हैं और कनक धतूरा को भी कहते हैं। कनक धतूर और कनक सोना, ये दोनों मादकता का संचार करने वाले हैं। अधिक मादकता किसमें है? बोले धतूर की मादकता से ज्यादा सोने में मादकता है। कैसे? बोले धतूर हाथ में आने से प्राणी नहीं पगलाता है, तो खाया जाए तब कुछ देर के बाद प्रभाव होता है, लेकिन सोना संपत्ति ये तो हाथ में आते ही प्राणी एकदम भोरा जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है। ये अर्थ के अनर्थ को अच्छी तरह समझे सोचे बैठे थे, इसलिए अर्थ को इन्होंने स्वीकार करना पसंद नहीं किया। ठाकुर जी ने पांच मुहर सोने के सिक्के सिंहासन पर प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। अगले दिन से रैदास जी ने ठाकुर जी को नित्य नियम के अनुसार जगाया। क्या देखते हैं कि सोने के पांच सिक्के ठाकुर जी के सिंहासन पर चमचमा रहे हैं। घबरा गए, ये क्या हो रहा है? चलो जैसे भी हो, हाथ से तो नहीं छूऊंगा और रखूंगा भी नहीं, तो क्या करोगे? बोले कर सोन पर सो गई के चिमटी सो मुहर सो, कर सोन पर सो गई के चिमटी सो मुहर सो, शीघ्र गंगा जी में डार उन लौटे निज ऐन जू, शीघ्र गंगा जी में डार पहुंच लौटे निज ऐन जू। दूजे दिना ठाकुर जी ने मुहरे प्रगटाई पुनी, दूजे दिना ठाकुर जी ने मुहरे प्रगटाई पुनी, त्यागे कल की नाई मन अतिशय भव बेचैन, त्यागे कल की नाई मन अतिशय भव बेचैन, कई एक दिन घर नीसो की ऐसो कलयुग आयो अब तो, कहीं एक दिन घर नी सोगी ऐसो कलयुग आयो अब तो, संत देवे पारस मुहर देवे कमल नैन, संत देवे पारस मुहर देवे कमल नैन जू, आगे ऐसो भयो तो उठाऊं अपने
अपने ठाकुर जू को आगे ऐसी भयो तो उठाओ अपने ठाकुर जू को गंगा जी में डार के करा दूं जल में शैल जू गंगा जी में डार के करा दूं जल में शैल जू श्री रैदास जी ने पांचों मोहरों को हाथ से स्पर्श नहीं किया चिमटी से जैसे बिच्छू वगैरह को पकड़ करके दूर कहीं डाल दिया जाता है ऐसे ही चिमटी से उन मोहरों को पकड़ करके ले जाकर गंगा जी में डाल आए और तब चैन की श्वास लिए। एक दिन ऐसी घटना घटी दूसरे दिन भी वही घटना घटी रैदास जी ने दूसरे दिन भी उन मोहरों को गंगा जी में वैसे ही डाला। तीसरे दिन जब घटना घटी तो मोहरों को तो जाकर के गंगा जी में डाल ही आए और अपनी पत्नी से बोले ठाकुर जी को सुना करके बोले कि प्रिय देखो कैसा घोर कलिकाल आ गया कि साधक के भजन साधन में विघ्न डाल